Did you notice something different about me today? Not yet? Yes, I have colored my hair. So you can see I have colored it in red color. So I was so excited about this hair transformation and मैंने सब कुछ record किया है for you guys. And would you believe कि ये hair color मैंने घर पे किया है? And it was very very quick. Within 1 hour मेरा सारा process हो गया and I got this beautiful color in my hair. So if you are interested that how do I got this color at home, then stay tuned till the end of the video. So काफी time से मैं सोच रही थी कुछ different करने के लिए अपने look के साथ and specifically मुझे hair color कराना था या कुछ hair cut करवाना था जो कि काफी time हो गया मुझे कराए हुए. So I thought let's go for hair color this time and it's been so long कि मैंने अपना hair color किया है and I was so sure कि मुझे red color ही करना है अपने बालों में. So I started looking for hair colors and such stuffs on internet. So काफी time से मैं internet पे ये देख रही थी कि आजकल कुछ temporary colors आते हैं जो कि आप कुछ time के लिए अपने बालों पे रख सकते हो एंड देन इट वॉश इट ऑफ. सो कुछ कलर्स थे जो वन वॉश के बाद चले जाते थे, कुछ कलर्स थे जो परमानेंट रहते हैं आपके बालों में. सो आई रिसर्च्ड मोर अबाउट इट एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस ब्रांड कॉल्ड अनवेयर एंड आई हैव गॉट दिस हेयर कलर फ्रॉम देम विच इज कॉल्ड अनवेयर कलरिज्म सेमी परमानेंट हेयर कलर. हैज गॉट हायरप्लेक्स बॉन्ड रिपेयर टेक्नोलॉजी इन इट. Yes, you heard me right. So this is not going to harm your hair whenever. So if you use this color, it's going to treat your hair as well at the same time. So I was very very excited to try this one out. कि मुझे color भी करना है, मेरे बाल भी नहीं खराब होंगे and in fact मेरे बाल repair हो जाएंगे. So I was so excited to try this one out and also this brand is vegan, paraben free, cruelty free. They don't have any kind of added peroxide or ammonia to it and healing colors hain as I already told you. The smart semi permanent hair color is going to last you for about 10 to 12 washes. So yes, you heard me right. After 10 to 12 washes, it's going to wash it off. So इसीलिए मैं और ज्यादा interested हो गई ये try करने के लिए because कई बार हमें कलर कराने का तो मन करता है बट हम इस सोच से नहीं करा पाते हैं कि अगर वो कलर बहुत टाइम तक चलेगा और अगर मैं बोर हो गई तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरा बाल डैमेज हो गया तो मैं क्या करूंगी. सो वो सारे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये ब्रांड में था एंड बहुत बार ऐसा होता है हमें कि वी गेट बोर्ड वेरी इजिली. तो इन ईच 2-3 मंथ्स आप अपना हेयर कलर चेंज कर सकते हो. दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. And also this color is dermat tested, hairdresser tested and this is GMP certified. So thing about this color is that कि ये एक हेयर कलर आपके प्री लाइटेंड हेयर पे ही वर्क करेगा एंड जब आप इससे लगाओगे अपने प्री लाइटेंड हेयर पे इट्स गोइंग टू रिपेयर योर प्री लाइटेंड डैमेज्ड हेयर. सो ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना था बिफोर आई हैव ट्राइड दिस वन आउट. सो इफ यू हैव एवर डन हेयर कलर यू हैव सो इफ यू हैव एवर डन हेयर कलर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम हेयर कलर कराते हैं आफ्टर वॉश हमारे बाल काफी रफ, डैमेज, ड्राई एंड डल दिखने लग जाते हैं. बट आफ्टर यूजिंग दिस वन आई हैव सीन कि मेरे बाल वॉश के बाद भी काफी सॉफ्ट एंड शाइनी लग रहे हैं एंड इट्स ऑलरेडी बीन 2 washes दैट आई हैव यूज दिस हेयर कलर. तो यू कैन सी दैट My hairs are looking pretty manageable. ये इसलिए मुझे बाल मेरे ऐसे फील हो रहे हैं बिकॉज दिस अनवेयर हेयर कलर इज गोइंग टू रिपेयर योर बॉन्ड इन टू द मॉलिकुलर लेवल्स ऑफ योर हेयर एंड जो कि आपके बालों को बाहर से स्ट्रेंथेंड एंड स्ट्रांग दिखाता है एंड शाइनियर दिखाता है एंड इट ऑल्सो एनहेंसेज द कलर रिटेंशन बाय सीलिंग द हेयर क्यूटिकल. सो आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे, कलर भी लास्ट करेगा एंड आपके बाल हेल्दियर भी लगेंगे. ड्यूरिंग द प्रोसेस ये हेयर कलर आपके बालों को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ विच मेरे बाल आज आप देख सकते हो खुद ही कि इतने
डैमेज एंड डल नहीं दिख रहे हैं, जो कि नॉर्मल हेयर कलरिंग के बाद हमें फील होता है. सो लेट मी टेल यू हाउ टू यूज दिस कलरिज्मा सेमी परमानेंट हेयर कलर ऑन योर हेयर. ये आपके प्री लाइटेंड हेयर पे ही वर्क करेगा. सो आपको एक प्री लाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा बिफोर यूजिंग दिस वन. तो मैंने स्ट्रीक्स का प्री लाइटनिंग पाउडर एंड डेवलपर मिक्स करके एक पेस्ट बनाया एंड आई हैव यूज दैट फर्स्ट फॉर अबाउट 30-40 मिनट्स इन माई हेयर. एंड जब मेरे बाल प्री लाइटेंड हो गए देन आई हैव गॉन विद दिस हेयर कलर. और इसको आपको अगेन 20-25 मिनट्स अपने बालों में रखना है एंड देन यू कैन वॉश द कलर ऑफ विद एनी ऑफ योर फेवरेट शैम्पू और कंडीशनर. सो गाइज एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी प्री लाइटेंड माई हेयर एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस अनवेयर हेयर कलर इन द शेड मर्मिड रेड. Apply properly in all the hair strand wherever you want the color. So I'll be keeping this hair color for about 20-25 minutes and then I'll show you my final look. I was so confused to which color. So they have lot of colors in this particular range. They had purple, blue, green, red and lot more. So I was very very confused while choosing the color for my hair. So you can finally see the hair transformation and how does my hair look after the coloring. I am loving it. It's exactly how I wanted it to be and also मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा, मैं बोर हो जाऊंगी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. दिस प्रोडक्ट गेट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड. इफ यू आर आल्सो लुकिंग फॉर अ गुड हेयर कलर जिसमें आपको जाके सैलून में बहुत एफर्ट ना लेना पड़े, ज्यादा देर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाहर जाके सैलून में बैठ के अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करा सको, गो फॉर इट. सो दिस पर्टिकुलर ट्यूब हैज कॉस्टेड मी फॉर ₹795 फॉर 100 ml. आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स ऑफ द प्रोडक्ट in the description so you can check it out from there. So do let me know if you like the color or no and if you are going to try the product and if you give it a try don't forget to comment. I would love to hear from you that how did you like this product because I really loved it. So that's it for today's video. I hope that you have liked the hair transformation. So until next time, Fashion Plugin signing off. Bye bye, take care.